हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तौर और आपका नेहा तौर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम बनाने जा रहे हैं घर में हमारे छोटे बच्चों के लिए, जब हम उनको कान्हा जी बनाएंगे तो उनके लिए मुकुट कैसे बनाएं या पगड़ी हम कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमने लिया सबसे पहले जो गत्ता होता है साड़ी का, जो डब्बा होता है उसका मैंने यूज़ किया है इसमें, और मैंने लेंथ ली है 19 इंच। तो मैं ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, और ऊपर से हमने 1.5 इंच पे कर दिया है ऐसे, जो कि हमारे सामने आएगा, जैसे कि हमारा कोई भी पगड़ी होती है उसमें आपने कर्व देखा होगा, तो इस तरह से हमें कर्व देना होता है सेंटर से। तो इस तरह हमें उसको कपड़े से कवर करना है। और साथ ही मैं इसमें यूज़ करूँगी फोम, यानी कि अगर बच्चे को चुभे तो हम उसमें कुछ ऐसा चीज़ ऐड कर सकें। आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। तो मेरे पास ये चौड़ाई में कम था तो मैंने अलग अलग इसको काटा है इसी शेप में, और ऊपर से फिर से हम इसमें कपड़ा लगा देंगे। तो मैं करूँगी इसको स्टिच, क्योंकि ग्लू इसमें ज़्यादा वेस्ट होगा। स्टिचिंग करने से मजबूती भी हो जाएगी और आसानी से हमारा काम भी हो जाएगा, और इस तरह से हम इसको अटैच कर लेंगे। ये भी मैं सिलाई से ही करूँगी। और अब हमें करना है फिर से उसको कार्डबोर्ड पे रखना है, और ऊपर का जो हमारा बेस है वो कट कर लेना है, जो कि सर्कल जो होगा राउंड, तो इसी हिसाब से। और राउंड ये आपको नाप, अगर किसी बड़े बच्चे का बनाना है तो उसी हिसाब से आप बच्चे का कलिंची टेप से का जो साइज़ है उससे मेजरमेंट कर लें, और उसी हिसाब से आप लें। और इस तरह से कट करते हुए हम ऊपर का हिस्सा भी कवर कर लेंगे। इस पर भी मैंने सिलाई कर ली है। और अब मैं हाथ से स्टिच लगाते हुए इसको बेस को चिपका लूँगी, क्योंकि अगर हम फेवी ग्लू या ग्लू गन से इसको करेंगे तो बाद में हो सकता है ये सूखने के बाद या बाद में ये हट जाए, तो वो हमारी मेहनत बेकार जाती है। तो हम इसको मजबूती देने के लिए हाथ से स्टिच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम बहुत ही मेहनत से आप ये वीडियो बनाते हैं। जैसा कि हम वीडियो बनाए जा रहे हैं तो व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है सब्सक्रिप्शन कम है, तो प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने बेस बनाया, उसको डेकोरेट करने के लिए हम जो भी छोटी छोटी कतरन हमारे पास होती है, इनको लंबा कट करके आप इस तरह से फ्लावर्स में मेकिंग कर सकते हैं, और इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। और अब जो साइड में पगड़ी होती है उसमें हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना है, जो कि लपेटा लेते हुए आप किसी भी पगड़ी में बड़े जो जिसको डालते हैं उसमें आपने देखा होगा, तो वही डिज़ाइन हमें क्रिएट करना है। तो हमें कैसे करना है, कोई भी फैब्रिक आपके पास होगा उनको लंबी ऐसे कट कर लेना है, और उसको हमें लपेटना है, यानी कि राउंड राउंड करते हुए उनको कुछ इस तरह से लपेटा देना है, जिससे कि जो हमारी बड़े जो पग बांधते हैं, पगड़ी जो बांधते हैं, वैसा इसमें लुक आए। तो इस तरह से हम इसको लपेटा देते हुए हम इसको चिपका भी लेंगे। तीनों को एक साथ भी अटैच करके आप लगा सकते हैं। तो ये मैं इसको अटैच कर लूँगी, इनको लगा के इकट्ठा, और हमें इस जगह पे 2 बार इसको लपेट के इस तरह से फिक्स कर देना है। और बाद में हम ऊपर जो बचा हुआ कपड़ा है उसको लगाएंगे, कुछ डेकोरेशन के लिए लगाएंगे, आपके पास जो भी आप वो लगा सकते हैं, बटन है, कोई ब्रॉच है। तो जैसे मैंने इसको जो बचा है उसको लपेटते हुए हम यहीं पे फिक्स कर देंगे, क्योंकि जो भी फ्लावर्स हमने बनाए हैं, मैंने कुछ लगा भी दिए हैं और अभी लगा देते हैं, जो मैंने बहुत सारे इकट्ठे बना लिए, आप भी ऐसा ही करें। और ये देखिए सारे जो कलरफुल फ्लावर्स हैं उनको इस तरह से आप फिक्स कर दें, क्योंकि नीचे भी बेस मिल गया जो कपड़ा बचा था, तो इजीली ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। आप किसी भी फैब्रिक ग्लू से या ग्लू गन से आप इसको चिपका सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा चमका देते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, तो स्टार्स भी लगाए हैं। कैसी लग रही है हमारी पगड़ी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।